एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने की वजह से यूजी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, तो जीवन उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। यहाँ से फिर हम एक्सीडेंट से 6 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरा मिनवान से मिलती है, जिसे देखकर मिनवान बोलता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, पर वो मना करती है और कहती है कि हम दोनों जीवन को जानते हैं, जिसने कि मेरे फियांसे यूजी को चुरा लिया। इसी बीच हम सुमिन को देखते हैं, जिसे कि जीवन की मॉम कॉल करके बताती है कि जीवन उसकी बातों में नहीं फंसी और उसने उसका झूठ पकड़ लिया। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सुमिन को मिनवान का फोन आता है, जिससे बात करने के बाद मिनवान को पता चलता है कि उनके घर पर जो जीवन और यूजी की फोटोज आई थी, वो असल में यूरा ने भेजी थी। ये जानकर वो काफी हैरान था। वो यहाँ पर समझ जाता है कि जीवन से अपना बदला लेने के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और कार से निकलकर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उसकी मदद करी तो इस समय वही फंस जाएगा। जो देखकर यूरा उसका मजाक बनाती है कि उसके इस एटीट्यूड की वजह से वो एक घिसे पिटी लाइफ जी रहा है। ये सुनकर मिनवान को गुस्सा आता है और वो यूरा को जोर से पकड़ लेता है, पर फिर वो यहाँ पर उसे बहकाने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुम अपना फॉर्च्यून चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, जैसे कि तुम जीवन से बदला भी ले पाओगे और मुझे मेरा यूजी वापस मिल जाएगा। ये सुनकर मिनवान पूछता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो उसे बोलती है कि पहले तुम अपना मन बना लो और उसके बाद मुझे कॉल करना। फिर वो अपना कार्ड देकर यहाँ से उसे चली जाती है। अगले दिन हम जीवन को देखते हैं, जो कि किसी से बात करते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसे अकेला देखकर मिनवान भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो जीवन को जोर से पकड़ के दीवार की तरफ हिट करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यूजी इस कंपनी का मालिक है। उसकी शक्ल देखकर तो मुझे यही लगता था कि वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है। जो सब सुनकर जीवन उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से दीवार पर पटक देता है और बोलता है कि तुम लोगों के बीच में फीलिंग्स कब डेवलप हुई, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया उसके बाद। यही वजह थी कि जब तुम मेरी फैमिली से मिली तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया और पूरे ऑफिस के सामने भी मेरी बेइज्जती की। जो सुनकर जीवन उसकी टांगों के बीच में बहुत ही जोरदार किक मारती है, जिससे वो बेचारा जमीन पर गिर पड़ता है। तो जीवन उसे बोलती है कि तुम ये बात भूल रहे हो कि तुमने सुमिन के साथ मिलकर मुझे चीट किया और उन्हीं सब चीजों की वजह से मैंने ये किया। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस के बाद जीवन जैसे ही अपने घर के बाहर पहुँचती है, तभी यूजी का फ्रेंड वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए यूजी ने भिजवाया है और उसने तुम्हें जूडो प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखने के लिए बोला है। अगर तुम्हें उसकी वजह से अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो वो उसे अपना नंबर दे देता है ताकि वो डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट कर सके। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि यूजी बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिनवान जीवन का पीछा कर रहा था, और जैसे ही वो यहाँ पर यूजी के दोस्त को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही पर्सन है जो कि एक बार जीवन के घर पर चिकन सूप लेकर आया था, और इसी पर्सन ने उसे मास्क पहनकर कर्जे के पैसे वापस देने के लिए बोला था, जिससे वो समझ जाता है कि उसे सुमिन के साथ शादी करने के लिए फंसाया गया है और इन लोगों ने ये सारी चीजें काफी पहले से ही प्लान कर रखी थी। वो अब गुस्से में बोलता है कि जीवन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ से सीधा यूरा से मिलने के लिए जाता है जो कि बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यूरा उसे अपने साथ थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है, तो मिनवान बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वॉयलेंस पसंद नहीं है। इस पर यूरा बोलते है कि तुम अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को चीट कर सकते हो, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा फाइट करने में तुम्हें इतना डर लग रहा है। वैसे भी बिना गट्स के वो काम तुम नहीं कर सकते जो कि मैं तुम्हें करने के लिए बोलने वाली हूँ। ये सुनकर वो भी बॉक्सिंग करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यूरा को आसानी से हरा देगा। लेकिन जैसे वो रिंग में पहुंचता है तो यहाँ पर यूरा की जगह उसका बॉडीगार्ड उसे लड़ने वाला था, जो कि मिनवान को एक किक के अंदर नॉकआउट कर देता है। ये देखकर मिनवान बोलता है कि तो बॉक्सिंग मैच था ना, तो उसने किक क्यों मारा मुझे। इस पर यूरा बोलती है कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मिनवान कहता है कि अरे तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था ना, मैं प्रिपेयर्ड रहता। जिसकी ये बात सुनकर यूरा हंसने लग जाती है और उसे बोलती है कि अब तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगे हो और मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। यहाँ से हम यूजी और मिस्टर ली को एक साथ में देखते हैं। चाहे यूजी के कहने पर उन्होंने काफी सारे रियल स्टेट जीवन के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे, जैसे कि अब उसकी गिनती काफी रिश लोगों के बीच में होने वाली थी। मिस्टर ली बोलते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों करा रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम मरने वाले हो, और मुझे ग्रैंडपा से ये सब चीजें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यूजी बोलते हैं कि आप ही ने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसीलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि इस कैट का तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए होगा, लेकिन जीवन से तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना, तो फिर तुम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर यूजी बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। सीन अब यहाँ से वापस यूरा पर आता है, जो मिनवान को बताती है कि यूजी ने जीवन के नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की है और अब वो 80 बिलियन वॉन की मालकिन बन गई है। जो सुनकर मिनवान के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पैसों से भरे हुए 2 सूटकेस उसके सामने रखते हैं और बबोलती है कि अगर जीवन मर जाए तो तुम्हें उसे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर वो जीवन और सुमिन के रिलेशन के बारे में बात करने लगती है। मिनवान फिर सुमिन से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उसे कन्फ्रंट करता है कि तुमने जीवन की मॉम को उसके पास भेजा था ना उससे पैसे लेने के लिए, पर जिस पर्सन ने तुम्हें वो फोटोज भेजी थी उसका तुमसे ये कहने का मतलब नहीं था। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बता देता है
कि यूजी ने जीवन को 80 बिलियन वॉन दिए हैं। जो सुनकर सुमिन तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसने मिनवान को उसके ऊपर डंप कर दिया यूजी के लिए। पर मिनवान बोलता है कि अगर जीवन मर जाए तो उसके पास जो इतना पैसा है वो उसकी माँ को मिलेगा। इस पर सोइन बोलती है कि इससे हमारा क्या फायदा, अगर वो मर भी जाए तो कौन सा उसकी माँ हमें वो पैसा देने वाली है। तब मिनवान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चल गया है कि वो अभी भी जिंदा है। असल में जीवन की मॉम का जिस पर्सन के साथ अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि सुमिन के डैड थे, जो कि उसे और उसकी मॉम को जीवन की मॉम के लिए छोड़कर भाग गए थे। तभी से सुमिन हमेशा यही सबको बोलती थी कि उसके डैड मर गए हैं, और इस तरीके से जीवन के मरने के बाद जो पैसा सुमिन की मॉम को जाएगा वो अल्टीमेटली उसके डैड को भी मिलेगा, तो वो लोग उनसे वो पैसा ले सकते थे। अगले दिन फिर हम सुमिन के डैड को देखते हैं, जो कि जीवन की मॉम के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। लेकिन अभी उनकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार चल रही थी, क्योंकि कुछ गुंडे उससे अपने उधार का पैसा वापस लेने के लिए आए थे जो कि वो चुका नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो उनके रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर सुमिन आती है। सिन अब यहाँ से यूजी पर आता है, जो कि यूरा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो उसे अपनी कंपनी के काफी सारे शेयर्स देता है और इसके बदले में वो उसे दूर जाने के लिए बोलता है। लेकिन यूरा इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है कि तुम्हारे प्यार के बदले में ये तो बहुत ही छोटा सा प्राइस है। तब यूजी को कुछ आवाज आती है तो वो यूरा के रूम में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे इतना रेस्टलेस देखकर यूरा को काफी अच्छा लग रहा था। ये बात सुनकर यूजी उसे बोलता है कि क्या तुम यही चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे की वीकनेस को ढूंढ कर उससे एक दूसरे को परेशान करें। अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो याद रखना कि मैं इसमें तुमसे ज्यादा अच्छा निकलूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है, पर यूरा उसे वो शेयर्स के पेपर वापस कर देती है। वो बोलती है कि मुझे इस सब की जरूरत नहीं है और तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुम जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो और जब तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना। जो सुनकर यूजी यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो किसी को फोन करके यूरा पर नजर रखने के लिए बोलता है। तभी यूरा के रूम से मिनवान बाहर निकलता है, जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। यूरा उसे बताती है कि अभी अभी यूजी ने मुझे 4 ट्रिलियन वॉन के शेयर्स ट्रांसफर किए हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर मिनवान के तो होश उड़ जाते हैं। यूरा उसे बोलती है कि जीवन उनको मार डालो, जो कुछ भी रायता फैलेगा वो सब कुछ मैं साफ कर दूंगी। ऐसा करने से तुम्हें अपनी लाइफ टाइम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे यूजी मिल जाएगा। ये बोलकर वो मिनवान को किस कर देती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो कितनी ज्यादा गिरी हुई लड़की है, जो कि अपनी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सीन अब यहाँ से सुमिन पर आता है, जो कि अपने डैड और जीवन की मॉम को पैसों से भरा हुआ बैग देती है। वो बोलती है कि आपको जो भी छोटा मोटा कर्जा है वो इस सबसे निपटा दो, इसके बाद आपको और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। वो उन्हें यहाँ पर ये भी बताती है कि ये पैसा उन्हें किसी ऐसे पर्सन ने दिया है जो कि उन लोगों को मार दे तो किसी को भी खबर ना हो, इसलिए उन लोगों से जैसा कहा जा रहा है वो वैसा ही करे, जिसके बाद उन्हें काफी सारा पैसा मिलेगा और वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वैसे ही वो सभी लोग मर जाएंगे। जो सुनकर वो लोग उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं, और यहाँ पर वो असल में अपने डैड से जीवन को मारने की बात कह रही थी। फिर वो फोन करके मिनवान को इस बारे में बताती है कि वो मान गए हैं, तो वो यूरा को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जो सुनकर वो खुश होकर उसके चीक्स पर किस करती है और बोलती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो वो भी काफी ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तभी यूरा के पास उसका बॉडीगार्ड आता है, जो बताता है कि वीकेंड पर जीवन के डैड की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर वो डिसाइड करती है कि ये लोग उसी दिन अपने प्लान को अंजाम देंगे। इसके बाद अब वो दिन भी आ जाता है जब जीवन अपने डैड की ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए जाती है। इसी बीच मिस्टर ली को पता चलता है कि जीवन की मॉम ने किसी फर्जी नाम से एक ट्रक किराए पर लिया है, जिसका मतलब ये था कि अगर जीवन मर जाएगी तो सारा पैसा उसे मिल जाएगा, यानी कि वो जीवन को मारने का प्लान कर रही थी। ये सुनकर यूजी अपनी दोस्त को कॉल करता है, जिसने कि उसे जीवन का पीछा करने के लिए लगाया हुआ था, और उसे जीवन को गाड़ी चलाने से रोकने को बोलता है। लेकिन तब तक जीवन वहां से निकल चुकी थी और उसके दोस्त की कार में भी कुछ खराबी आ गई थी, जिस वजह से वो उसका पीछा नहीं कर सकता था। ये बात जानकर यूजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब उसे खुद ही जीवन को बचाने के लिए जाना पड़ता है। वो काफी तेज ड्राइव करते हुए यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, क्योंकि उसने जीवन के डैड की टैक्सी में बैठकर यही बात बोली थी कि अगर उसे एक मौका मिले तो वो कुछ भी करके जीवन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब वो सोच रहा था कि अगर जीवन ही नहीं रहेगी तो उसका यहाँ पर रहने का क्या फायदा। वो अब यहाँ पर जीवन को वॉर्न करने के लिए कॉल भी करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए यूजी जीवन के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उसे सच्चाई बता देता है कि 2023 में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, और जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा 2013 में पहुंच चुका था। जब वो जीवन से फिर से मिला तो उसे लगा कि इस बार वो उसके साथ खुश रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये जानते हुए भी मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाया, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बोलते हुए वो जीवन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मैं इतनी जल्दी तुमसे बिछड़ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ और अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करता।
और जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए खुद को ब्लेम मत करना, क्योंकि ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है। और सब कुछ बुरी चीजें भूलकर खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करना। और अब जब जीवन को सुमन के डैड ट्रक से ठोकने वाले थे, तभी वो फटाफट से अपनी कार बीच में लेकर आ जाता है, जिससे उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सिन अब यहाँ से हॉस्पिटल का आता है, जहाँ पर जीवन अपना फोन चार्ज करके यूजी का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुनती है और काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम सुमन और जीवन की मॉम को एक होटल में देखते हैं, जो कि वहाँ पर जीवन का एक्सीडेंट होने के बाद सुमन की डैड की फोन करने का वेट कर रहे थे। जीवन की मॉम काफी ज्यादा परेशान थी कि वो अभी तक मरी कि नहीं, जो देखकर सुमन उसे बोलती है कि वो कितनी ज्यादा बुरी है कि वो अपनी बेटी के मरने का वेट कर रही है और उस इंसान पर ट्रस्ट कर रही है जो कि कुछ साल पहले मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर भाग गया था। जहाँ पर वो ये भी बोलती है कि उसके डैड सिर्फ हमेशा अच्छी चीजें करने का और उसे प्यार करने का नाटक करते हैं, जैसे कि उन्होंने बचपन में सुमन के साथ किया था। लेकिन फिर वो जीवन की मॉम के साथ अफेयर करके उसे और उसकी मॉम को छोड़कर भाग गए, जो सुनकर जीवन की मॉम उसे कुछ बोलने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही सुमन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे, और वो उन्हें सच्चाई बता देते हैं। इधर मिनवान यूरा के हाथों की मसाज कर रहा था, तभी उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर आकर उसे बता देता है कि जीवन की जगह यूजी का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर यूजी वहाँ पर क्या कर रहा था। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सुमन का डैड वहाँ से भाग गया है, तो वो उसे और जीवन की मॉम को ढूंढने के लिए बोलती है और मिनवान को भी बोलती है कि तुम सुमन को लेकर घर जाओ, जब तक मैं कॉल ना करूं एकदम नॉर्मल रहना और ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ सुमन होटल रूम के अंदर सब जगह तोड़फोड़ कर रही थी और पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। जब मिनवान वहां पर आता है तो वो बोलती है कि मेरे डैड मुझे फिर से अबैंडन करके चले गए, ये सब जीवन की वजह से है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और मैं उसे मार डालूंगी। जिसे इस तरीके से देखकर वो उसे शांत करवाता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यूरा अभी भी हमारी साइड है और जब तक वो ये सारी सिचुएशन संभाल रही है तब तक हमें शांत रहना है। अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आती है तो तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि तुम अपने डैड को नहीं जानती। वही हॉस्पिटल में जब यूजी की सर्जरी चल रही थी, तभी वहां पर ग्रैंडपा मिस्टर ली और हुयोन आते हैं, जो कि सभी काफी ज्यादा परेशान थे। इसी बीच मिस्टर ली को पता चलता है कि एक्सीडेंट करने वाला पर्सन सुमन का डैड है और सुमन ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई और है जो सारी बातें जीवन सुन लेती है। इसलिए मिस्टर ली उसे बता देते हैं कि यूजी ने तुम्हारे नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इसलिए तुम्हारी मॉम शायद तुम्हारा एक्सीडेंट करके तुम्हें मारना चाहती थी ताकि वो पैसा उन्हें मिल सके, और ये एक्सीडेंट तुम्हारे होने वाला था जबकि यूजी बीच में आ गया। जो सब सुनकर जीवन सोचने लग जाती है कि जब मुझे दोबारा से सब कुछ ठीक करने का चांस मिला तभी मैं सब चीजों से भागती रही, मैंने कुछ भी नहीं किया ना ही अपना बदला लिया, यूजी ने मेरी सबके अंदर हेल्प की, जबकि यूजी को पता था कि वो किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन इस बार वो भागेगी नहीं और अपना बदला लेगी और वो यूजी को भी बचाएगी क्योंकि अभी तक सिर्फ वही उसे प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा था। इसके बाद हम सुमन को देखते हैं जिसे जीवन कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, तो वो भागती हुई उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जीवन उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम किसी को मारने के बारे में कैसे सोच सकती हो, क्या सिर्फ पैसे के लिए है। ये सुनकर सुमन पहले तो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है कि आखिर तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो मुझसे, और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया, जो सुनकर जीवन हंसने लगती है और बता देती है कि मिनवान को एजोस्पर्मिया है जिसकी वजह से वो सुमन तो क्या किसी को भी कभी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बेबी को फील किया था और मेरे पास अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी है। जो सुनकर जीवन उस पर काफी जोर से चिल्लाकर उसे और झूठ बोलने से मना करती है, साथ ही ये भी पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तब सुमन भी अपना असली चेहरा यहाँ पर दिखा देती है, वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती और तुम कभी खुश रहना डिजर्व नहीं करती। वो फिर उसे बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हारी मॉम 14 साल की उम्र में तुम्हें छोड़कर चली गई थी तब उनका अफेयर मेरे डैड के साथ था। सुमन अपने डैड को काफी सारे मैसेजेस वगैरह किया करती थी लेकिन वो उसके किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देते थे और उसकी मॉम भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया करती थी। पर जब उसे पता चला कि उसके डैड जीवन की मॉम के साथ भागे हैं, तो पहले तो जीवन की फ्रेंड बनना चाहती थी क्योंकि वो दोनों एक ही सिचुएशन में थे और जीवन को भी एक अच्छी दोस्त की जरूरत थी। लेकिन जब सुमन जीवन के घर पर गई और उसने देखा कि उसके डैड उसको कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, वो उससे काफी प्यार से बात करते और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, साथ ही वो जीवन और सुमन दोनों को ही पॉकेट मनी भी दिया करते थे, जो सब देखकर सुमन उसे जेलस होने लग गई क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी उसे इतना प्यार करने वाला पर्सन नहीं था। तभी से उसने डिसाइड किया कि वो जीवन को कभी भी खुश नहीं रहने देगी और उसे सब कुछ छीन लेगी। इसी वजह से वो बचपन से लेकर आज तक उसे परेशान करती रही। सुमन बोलती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं था, जब मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल है तो तुम भला खुश कैसे रह सकती हो और तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हें अच्छे लोग क्यों मिलते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि लाइफ कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है तो जीवन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और बोलती है कि ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता था कि मेरी मॉम का अफेयर तुम्हारे डैड के साथ है, लेकिन सुमन ने जीवन के सामने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे कि उसके डैड मर गए हैं।
इसलिए जीवन भी नहीं चाहती थी कि उसे सच्चाई पता चले और वो उसके साथ अच्छे से बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहना चाहती थी ताकि कम से कम वो दोनों साथ में खुश रह सके। और जब वो कैंसर से मरने वाली थी तब भी उसने यही सोचा कि सुमन खुश रहे। तो सुमन बोलती है कि ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करती हो, तुमने मिनवान को मुझ पर डंप कर दिया यूजी के लिए और तुम हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करती हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। इस पर जीवन बोलती है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो और तुम चिंता मत करो, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे नट से भी बुरी बनती है। ये बोलकर वो स्माइल करके जाने लगती है और सोचती है कि इस बार वो फिर से सब कुछ करेगी और मेक श्योर करेगी कि उसका फेट सुमन को ही मिले, जो सुनकर सुमन रोने लग जाती है। जीवन अभी यहाँ से हॉस्पिटल में जाती है जहाँ से वो ह्यून को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद यूजी के पास ही रुकती है क्योंकि वो सर्जरी के बाद अभी भी होश में नहीं आया था और कॉमा की स्टेट में चला गया था। तभी यहाँ पर उसे मिस यांग का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए पूछती है और बताती है कि उनका हस्बैंड उन पर चीट कर रहा है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि अब शायद उनके साथ भी वही सब कुछ होने वाला था जो कि जीवन के साथ पहले हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली ने मिस यांग पर नजर रखी हुई थी जहाँ वो जैसे ही उन्हें उनके फादर के रेस्टोरेंट से बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो वो भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि मिस यांग का हस्बैंड वहाँ की एक वेट्रेस के साथ रोमांस कर रहा था। ये देखकर वो फटाफट से मिस यांग के पास जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी और बीमारी की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो उन्हें रोककर बोलते हैं कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम्हें इस तरीके से रोककर जाना नहीं चाहिए बल्कि जाकर उसका मुंह तोड़ देना चाहिए, और बोलते हैं कि चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मिस यांग बहुत ज्यादा दुखी थी, वो बस यही बोलती है कि मैं जिस तरीके से अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट से ट्रीट करती हूँ और उसकी केयर करती हूँ वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसा ही ट्रीट करे, और मैं सोचती थी कि शायद वक्त के साथ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनकी ये बातें सुनकर मिस्टर ली उसे कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जिसे उसका बॉडीगार्ड बताता है कि पुलिस ने इस केस को एक कार एक्सीडेंट बोलकर बंद कर दिया है, पर उसे उस ड्राइवर और जीवन की मॉम के बारे में पता चल गया है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो वो यहाँ पर उसे उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बोल देती है। यहाँ पर हम उसके पास यूनो की फोटो देखते हैं जिसके बाद वो यूनो से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जीवन ऑफिस नहीं जाती और बस यूजी की केयर करती है। एक दिन हॉस्पिटल में वो यूजी की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे बताती है कि अब मैं पुरानी वाली जीवन नहीं हूँ, मैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं अपने फेट से भी नहीं डरती और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने फेट से ओवरकम कर जाओ। जब मैं अकेली थी तब मैं अपनी मॉम के जाने के दिन काउंट किया करती थी, उसके बाद अपने डैड के जाने के, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए दिनों को काउंट करना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज जल्दी से उठ जाओ ना। वो उसे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि उसकी आवाज सुनने के लिए उसका वॉइस नोट चला देती है जिसमें वो उसे अपना लव कन्फेस कर रहा था। तो वो भी उसे यहाँ पर रोते हुए अपना लव कन्फेस करके आई लव यू बोलती है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल था। पर तभी जियोग भी अपनी आंखें खोलकर कोमा से बाहर आ जाता है। वो जीवन को अपने साथ में देखकर खुश था, वो भी उसे यहाँ पर अपना लव कन्फेस करके आई लव यू बोलता है। तो जीवन भी खुश होकर उसे रिस्पॉन्ड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जीवन उसे लेकर घर आती है जहाँ पर वो उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। पर यूजी यहाँ पर उसे हक करके बैठ जाता है और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने को बोलता है। वो उसे बताने लग जाता है कि कैसे जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, पर जून बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यूजी उसे बताता है कि यूरा काफी ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट है, पहले भी जब मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला था कि वो कितनी बड़ी साइकोपैथ है तो उससे एंगेजमेंट तोड़ने में मुझे 3 साल लग गए थे। इस पर जून बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, जब आप किसी पर्सन के साथ इतना टाइम गुजार देते हो और आपको उसका असली चेहरा नहीं पता चल पाता, पर जब सच्चाई आपके सामने आती है तो आप उस पर यकीन ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा उसके साथ भी हुआ था। वो सुमन को हमेशा अच्छा समझती थी लेकिन वो उसके एकदम अपोजिट निकली। वो बोलती है कि यूरा ने मुझे मारने की कोशिश की जिसमें उसके साथ मिनवान और सुमन भी शामिल थे और उन्होंने ये पैसों के लिए किया होगा। यहाँ पर वो उसे ये भी बता देती है कि मिस यांग का हस्बैंड उन्हें चीट कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि मेरा फेट उनके पास चला गया और सुमन और मिनवान की शादी कराने से वो अपना फेट उनको नहीं दे पाई, इसीलिए अब उसे कुछ और ढूंढना होगा ताकि वो अपना फेट उन्हें देकर मिस यांग को बचा सके। जिस चीज में वो यूजी को अपना साथ देने के लिए बोलती है तो वो उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। सीन अब यहाँ से मिस यांग पर आते हैं जो कि चुपके से अपने हस्बैंड के कार में जाती है जहाँ पर वो कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो अपने हस्बैंड और उस वेट्रेस को एक साथ देखती है जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो डैश कैम का मेमोरी कार्ड निकाल कर यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से यूजी पर आता है जिसे मिस्टर ली बताते हैं कि तुम्हारा केस पुलिस ने बंद कर दिया ये बोलकर कि किसी ड्राइवर ने नशे में एक्सीडेंट कर दिया। मैंने मिनवान यूरा और सुमन पर नजर रखी हुई है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की और पुलिस तो उन लोगों को कभी पकड़ भी नहीं पाएगी। फिर वो यूजी से बोलता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है तो तुमने मुझे बताया कि उन्हें एक्सीडेंट होने से हम लोग बचा सकते थे ना।
जो सुनकर यूजी उसे माफी मांगता और बोलता है कि पहले मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं था, और उसे हक कर लेता है क्योंकि अब उसे उस पर ट्रस्ट हो गया था कि उसकी भाई उसकी मदद करेगा। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं सुमन के डैड और जी उनकी मॉम को भी ढूंढ रहा हूँ, जरूर यूरा भी उन लोगों को ढूंढ रही होगी, तो हमें उससे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा। और वो उसे ये भी पूछता है कि तुम ये स्लिंग बैंड कब तक पहनने वाले हो। इस पर यूजी बोलता है कि मैं इसे निकालना तो चाहता हूँ, लेकिन जीवन ने इसे निकालने से मना किया है। इसके बाद हम यूजी को जीवन के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथ से ठीक से खा नहीं पा रहा था, तो जीवन उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जो देखकर यूजी को काफी अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही जीवन अपने घर जाने लगते हैं, तो यूजी हाथ में दर्द का बहाना करके उसे हक कर लेता है और अपने साथ ही रात में रुकने को बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब वो यूजी के रूम में जमीन पर अपना बिस्तर लगा लेती है, तो यूजी भी उसके पास ही आकर लेट जाता है और बोलता है कि तुम चाहे जो भी करो, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ये बोलकर वो उसके चीज पर किस कर देता है और दोनों फिर साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही यूजी की आंख खुलती है, तो जीवन उसके पास नहीं थी। ये देखकर उसे वो इंसिडेंट याद आ जाता है, जब वो एक बार जीवन के साथ पार्क में सो गया था और आंख खुलने पर वो वहां पर नहीं थी। ये देखकर वो घबराकर बाहर आता है, जहाँ जीवन उसके लिए जूस बना रही थी, पर वो उसे पीछे से जाकर हक कर लेता है। ये देखकर जीवन पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, पर वो मना कर देता है। और अब उसे पता चल गया था कि यूजी सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए हाथ दर्द का बहाना कर रहे हैं। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन जीवन ऑफिस जाती है, जहाँ मिस्टर किम उसे बोलते हैं कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही छुट्टियां ले रही है और ऑफिस में कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। लेकिन तभी पीछे से मिस यांग आ जाती है, जो कि अपनी बीमारी की वजह से छुट्टियों पर गई हुई थी, जिन्हें देखकर सभी लोग उनके पास उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिनवान आता है, जो कि जीवन को वापस से काम पर देखकर हैरान था। वो यूरा को कॉल करके बोलता है कि जीवन तो ऑफिस में आकर एकदम नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यूरा बोलती है कि यूजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, इसलिए शायद वो काम पर वापस आ गई है, और वो उसे भी एकदम नॉर्मली बिहेव करने के लिए बोलती है। अब वो फोन रखने के बाद सोचने लगती है कि मुझे ऐसे लो स्टैंडर्ड लोगों के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि सुमन के डैड और जीवन की मॉम को ढूंढ लिया गया है, जो कि काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो जाकर छुप गए। यूरा अब उन्हें कॉल करती है और बोलती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए चाइना भेजने का सोच रही हूँ, जहाँ पर तुम आराम से एंजॉय करना। जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम मिस यांग को जीवन और हुयोन के साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें सारी चीजें बता रही होती है कि कैसे उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। वो कार की डैश कैम से एविडेंस लेकर पुलिस के पास गई थी, क्योंकि वो दोनों उसकी कार में भी इंटीमेट हुए थे, लेकिन शायद वो डैश कैम खराब हो गया, जिस वजह से उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और पुलिस ऑडियो को स्ट्रिक्ट एविडेंस कंसिडर नहीं कर रही। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि आज रात में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली हूँ, क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल में होती हूँ वो उसे घर पर बुलाता है, और आज मैं पुलिस के साथ जाकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ने वाली हूँ, इसलिए मैं घर का लॉक भी तोड़ कर आ गई। जो सुनकर जीवन को याद आता है कि 2023 में जब वो अपने घर गई थी तो उसका लॉक भी टूटा हुआ था, और अब उसे डर था कि मिस यांग के साथ वो सब कुछ ना हो जो कि उसके साथ हुआ था, इसलिए वो भी मिस यांग के साथ जाने का डिसाइड करती है। अब रात में ये लोग कार में छुपकर उस लड़की के आने का वेट कर रहे थे। उसके आने के थोड़ी देर बाद ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर जीवन देखती है कि ये लड़की तो रेड सैंडल्स पहन कर आई थी, जैसे कि उस वक्त उसके घर पर सुमन पहन कर आई थी। साथ ही पुलिस को देखते ही मिस यांग के हस्बैंड से एक कैंडी का बॉक्स गिर जाता है, और ये सब कुछ वैसा ही था जैसे कि जीवन के साथ पहले हो चुका था, जिससे वो काफी घबराकर मिस यांग को पकड़ लेती है। मिस यांग का हस्बैंड तो उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो लड़कियाँ सभी लोगों के सामने झूठ बोल देती हैं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसे खाना देने के लिए आई थी, क्योंकि उसने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। मिस यांग का हस्बैंड भी यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लग जाता है और बोलता है कि तुम उस पर शक कर रही थी। अब वो दिखावा करने के लिए उस लड़की को डांट कर यहाँ से बका देता है और आज के बाद कभी खाना ना लाने के लिए बोलता है। साथ ही वो पुलिस को भी जाने के लिए कहता है, तो वो लोग चले जाते हैं, लेकिन जीवन वहीं पर रुकी हुई थी तो वो उसे जाने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही जीवन यहाँ पर वैसे ही कांच वाले टेबल को देखती है जिससे गिरने पर उसकी मौत हुई थी, तो गोल्फ स्टिक उठाकर पूरी तरीके से उस कांच की टेबल को तोड़ देती है और मिस यांग के हस्बैंड को वार्न करती है कि अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलता है कि यार तुम पागल हो। तभी वहां पर पुलिस वापस से आ जाती है, तो मिस यांग का हस्बैंड पुलिस को बताने लग जाता है कि ये लड़की तो पागल है। जो सुनकर मिस यांग काफी जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि बस करो, तुम बहुत ज्यादा खुश होगे ना आज कि तुम पकड़े नहीं गए। मुझे सब पता है कि तुम कार के अंदर उस लड़की के साथ क्या क्या करते थे, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, और तुम तो सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बेशर्म था, वो बोलता है कि तुम्हारे पास इस सब का क्या प्रूफ है। जो सुनकर मिस यांग उसे थप्पड़ मार देती है, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो मिस यांग को धक्का दे देता है। मिस यांग ठीक उसी तरीके से गिरती है जैसे कि पहले जीवन गिरी थी, और यहाँ अगर जीवन ने उस कांच वाले टेबल को नहीं तोड़ा होता तो मिस यांग का सर उसमें जाकर लगता और शायद वो वहीं पर मारी जाती। जो देखकर जीवन बहुत जोर से चिल्लाती है और मिस यांग के हस्बैंड को गोल्फ स्टिक से जाकर मारने वाली थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है।
यहाँ से फिर हम इन लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर क्योंकि पुलिस ने भी सब कुछ विटनेस कर लिया था, इसलिए वो उसके हस्बैंड को पुलिस स्टेशन ले गए थे। तभी वहाँ पर यूजी और मिस्टर ली भी आ जाते हैं, जहाँ पर मिस यांग जी उनसे बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं एक लॉयर से बात करने वाली हूँ। तो जीवन उन्हें बोलती है कि आप कभी भी अपने हस्बैंड से अकेले मत मिलना और पहले मुझे बुला लेना। जो सुनकर वो बोलते हैं कि तुम इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो, पर वो मिस यांग को उसकी बात मानने के लिए बोलती है। लेकिन मिस्टर ली बीच में बोल देते हैं कि मैं यांग का ख्याल रख लूंगा। इसके बाद जीवन यूजी के घर में होती है, जहाँ पर यूजी उसे बोलता है कि ली मिस यांग का ख्याल अच्छे से रख लेगा। तब जीवन सोचने लगती है कि मिस यांग को कैंसर इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपनी फैमिली और हस्बैंड की वजह से अपने इमोशंस को हमेशा अपने अंदर दबा कर रखती थी। लेकिन आखिर मेरे मरने वाला फेट उनके पास क्यों गया है? क्या सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका हस्बैंड भी उन्हें चीट कर रहा है और उसे भी उनके मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। और जीवन को बताते हैं कि आज का सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उसके साथ पास में हो चुका था, वो रेड सैंडल्स और वो कैंडी का बॉक्स। तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर उसे मिस यांग का फेट चेंज करना है और उन्हें मरने से बचाना है तो इसके बदले उसे मिनवान को सीड्यूस करना पड़ेगा और उसे सुमिन को मारने पर मजबूर करना होगा, तभी मेरा फेट सुमिन को जाएगा। जो सब करने के लिए वो यूजी से परमिशन मांगती है तो वो भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जीवन वही रेड सैंडल्स पहनकर ऑफिस में आती है जो कि सुमिन पहना करती थी, जहाँ पर यूजी सभी के सामने जीवन को मील किट वाले प्रोजेक्ट से निकाल देता है, जो देखकर वो उसे साइड में बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट से क्यों निकाला। तो यूजी बोलता है कि तुमने मेरे बदले पैसों को चुना, इसीलिए अब इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो ऑफिस से चली जाओ या अगर रिजाइन दे दोगी तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा। जिनकी ये सारी बातें मिनवान सुन रहा था और काफी हैरान हो जाता है और उसी को फंसाने के लिए दोनों भी ऐसे नाटक कर रहे थे। इसके बाद मिनवान अब जीवन के बारे में ही सोच रहा था कि उसने यूजी से 80 बिलियन वॉन लेकर उसे ब्रेकअप कर लिया। तभी वहाँ पर जीवन आती है जो उससे बोलती है कि तुम ये काम अकेले क्यों कर रहे हो। अब क्योंकि उसका डिमोशन हो गया था तो वो यहाँ पर स्टिकर लगाने का काम कर रहा था। वो जीवन को बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो वो बोलती है कि अगर तुम सुमिन के साथ मुझ पर चीट ना करते तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जिस पर वो कहता है कि तुमने भी तो यूजी के लिए मुझे छोड़ा था ना। इस बात पर वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। जिसके बाद वो इसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वो उसे बता देती है कि यूजी के ग्रैंडपा ने मुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए 80 बिलियन वॉन दिए हैं। मेरे पास इतना पैसा है कि उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक मैनेजर भी है। जब ये बात यूजी को पता चले कि मैंने उसके ग्रैंडपा से पैसे लिए हैं तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। अब इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर मिनवान के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो वॉशरूम में जाकर सोच रहा था कि जीवन सही बोल रही है, उनके ब्रेकअप करने का ये वैलिड रीजन हो सकता है। तभी उसे यहाँ पर सुमिन का कॉल भी आता है लेकिन वो उसे इग्नोर मार देता है। इधर हम सुमिन को देखते हैं जो ये कैफे में मिस्टर किम से मिलती है, जहाँ पर वो उससे बड़े प्यार से बात करती है और पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश करती है। तभी वो उसे बोलता है कि शादी के बाद देखो तुम कितनी बदल गई हो, लेकिन जीवन को देखो वो कितनी ज्यादा प्रिटी हो गई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मिनवान पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वो और जीवन 7 साल तक रिलेशनशिप में थे और वो एक दूसरे से रोज ही ऑफिस के अंदर मिलते हैं, तो इस तरह से उनके बीच में वापस से फीलिंग्स डेवलप होना बहुत ही आसान होगा। ये सुनकर सुमिन को टेंशन होने लग जाती है। वो मिनवान को मैसेज करती है कि आखिर तुम हो कहाँ पर और मैं तो घर में बैठे बैठे पागल होती जा रही हूँ। लेकिन वो उसके किसी भी कॉल मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तो वो सोचती है कि नहीं नहीं वो जीवन के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसे मारना चाहता था। पर फिर वो पुराने दिनों को याद करने लग जाती है कि कैसे वो जीवन के पीछे एकदम पागल था, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जीवन मिनवान को अपने पुराने दिनों को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते थे। तो मिनवान उसे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा यूजी से ब्रेकअप हो गया है। इस पर जीवन कहती है कि हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रिसेंटली मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा है। वो अब यहाँ पर उसे सारी चीजें बता देती है कि कैसे सुमन ने अपने डैड से मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर यूजी बीच में आ गया जिसकी वजह से उसे चोट लगी। उस इंसिडेंट के बाद से यूजी और मेरे बीच में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जो सारी बातें सुनकर मिनवान तो एकदम हैरान हो जाता है कि इसे तो सारी सच्चाई पता है। जीवन बोलती है कि मैं मानती हूँ कि सुमन मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना गिर जाएगी और मुझे मारने की कोशिश करेगी। मुझे हर वक्त यही लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं एकदम पागल हो चुकी हूँ, इसी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं आ रही थी। जो सुनकर वो सोचने लग जाते हैं कि अच्छा इस रीजन की वजह से ऑफिस नहीं आ रही थी। अभी जब ये दोनों एक साथ घर की तरफ जा रहे थे तभी मिनवान सोचता है कि इसका यूजी से ब्रेकअप हो गया और इसके पास 80 बिलियन वॉन भी है। अगर ये मर जाएगी तो पैसा इसकी मॉम और बाकी सभी लोगों के पास भी चला जाएगा और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इसे फिर से सेड्यूस करूँ और इसके साथ हो जाऊँ
तो सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। तभी जेवन उसे सुमिन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि सुमिन कितनी खतरनाक लड़की है, तो तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए और मेरे पास वापस आ जाओ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो मिनवान उसे पकड़कर हग कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ये बोलकर चला जाता है। जिन दोनों को इस तरीके से यूजी कार में बैठकर देख रहा था, तभी जीवन उसके पास जाती है और उसे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो कार से उतरकर उसे हग कर लेता है। इधर मिनवान जैसे ही घर पहुंचने वाला था तभी उसे यूरा का फोन आता है, जिसे मिनवान सारी चीजें बता देता है कि कैसे जीवन और यूजी का ब्रेकअप हो गया है और उसे मुझ पर शक भी नहीं कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। वो ये सारे पैसे लेकर अब मेरे पास आ जाएगी, जिससे ही मुझे मेरी जीवन मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा यूजी। जो सुनकर वो भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन कॉल कट करने के बाद वो सोच रही थी कि जरूर ये सब जीवन की चाल है, क्योंकि वो मिनवान को छोड़ने के बाद उसके पास वापस क्यों जाएगी। यूरा फिर अपने असिस्टेंट को सुमिन के डैड और जीवन की मॉम को मारने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि अगर जीवन मिनवान के पास वापस आएगी तो उसे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि मिनवान उसके एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, और अगर वो किसी तरीके से अपनी मॉम और सुमिन की डैड तक पहुंच गई तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि हम उन दोनों को मार दें, जिससे कि अब हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचेगा। जो सुनकर एक बार के लिए उसका बॉडीगार्ड भी चौंक जाता है कि वो उन लोगों को मारने की बात कर रही है। दूसरी तरफ मिनवान घर जाकर सुमिन से डिवोर्स लेने की बात कहता है। वो बोलता है कि अब तो हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर अभी तक मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। जो सुनकर सुमिन उसे बोलती है कि क्या तुम जीवन से मिले थे। ये सुनकर वो हड़बड़ाने लग जाता और बोलता है कि हाँ, आज वो ऑफिस में आई थी। तो सुमिन कहती है कि मैं ये बात सोच रही थी कि तुम्हारे और जीवन के फिर से एक साथ होने पर इस एक्सीडेंट वाले केस में सिर्फ मैं ही फंसूंगी। अगले दिन हम यूरो को देखते हैं, जो कि जैसे अपने रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। उसके बाकी कलीग्स भी वहाँ पर आए हुए थे। तभी इन्हें अपने ओनर का मैसेज आता है कि उसने रेस्टोरेंट बंद कर दिया है और वो इन्हें एक महीने की सैलरी भी दे देता है, पर अभी ये सब लोग जॉबलेस हो गए थे। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से यूरा निकल कर आती है, जिसने कि अभी ये रेस्टोरेंट खरीद लिया था। वो यूरो को बात करने के लिए अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये आलीशान रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अगले सीन में हम यूनो को एक बार में अकेले बैठकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ यूनो उसके बुलाने पर आती है, जिसे देखकर यूनो बोलता है कि जब जीवन ने मुझे रिजेक्ट किया तो उसके बाद तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी कंफर्ट मिला है, और उसे बता देता है कि अब वो अनएम्प्लॉयड है। जहाँ बातों ही बातों में हुयन को रियलाइज होता है कि वो लोग भी अपने मील किट वाले प्रोजेक्ट के लिए एक शेफ को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अगले दिन उसे ऑफिस में ले जाकर जीवन से मिलवा देती है, जहाँ वो उसे इस प्रोजेक्ट में रखने के लिए मान जाती है। तभी उन्होंने उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बता देता है कि कैसे यूरा उसे उसकी मदद करने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। पर उसने उसे ये नहीं बताया था कि आखिर उसे क्या काम करवाना है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों को बात करते हुए हुयन बाहर से देख रही थी, और शायद इन्हें इस तरीके से देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जीवन अब फोन करके यूजी को ये सारी बातें बताती है और कहती है कि उसे क्या काम कराना था यूनो को यूरा ने नहीं बताया, पर यूजी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो उसे बाद में कॉल करने के लिए बोलता है क्योंकि वो अभी किसी के साथ था। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो यूरा के बॉडीगार्ड के साथ था। वो उसे यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, या तो वो उसकी मदद करे या फिर आने वाली प्रॉब्लम्स में यूरा के साथ फंसे। जो सुनकर वो यूजी की साइड हो जाता है और उसे अब तक की सारी चीजें बता देता है। इधर जीवन जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे लैंडलाइन पर मिनवान कॉल करता है और वो उसे शाम को साथ में डिनर पर चलने के लिए बोलता है, जिस चीज के लिए जीवन मान जाती और अपनी रेड सैंडल्स पहनने वाली थी। लेकिन तभी उसे यूजी का कॉल आ जाता है, तो मिनवान का कॉल होल्ड पर रखकर उसे बात करती है, जहाँ पर वो उसे बता देता है कि अब उसे मिनवान के साथ और खेल खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से एक वुमेन है जो कि और कोई नहीं बल्कि यूरा थी, और उसने उसके पास वैसे ही रेड सैंडल्स और कैंडी का बॉक्स भी भिजवा दिया था उसकी बॉडीगार्ड के हाथों। तो जीवन काफी खुश होकर मिनवान को डिनर के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ कभी भी कोई बिजनेस नहीं करना चाहती, जो कि सिर्फ मीठी मीठी बातें करना जानते हैं और बिना दिमाग लगाए सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रही थी, तुम्हारी अभी शादी हुई है लेकिन फिर भी तुम कैसे मेरे पीछे आने के लिए राजी हो गए, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। ये सब बोलकर उसकी काफी बेइज्जती करती है और फोन रख देती है, जिससे कि मिनवान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ यूरा अपने बॉडीगार्ड के साथ सुमिन के पेरेंट्स को मारने के लिए जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उसने उनको बेहोश करके एक वैन में डाल दिया था, और फिर प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग उस वैन को आग लगाने वाले थे। जो सब करते हुए वो सोच रही थी कि अरे वाह, मैं तो पहली बार किसी को मरते हुए देख रही हूँ। फिर उसका बॉडीगार्ड उसे यहाँ से ले जाता है। सीना वापस से जीवन पर आता है, जो कि देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे यूजी का मैसेज आता है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। अब जीवन जैसे अपना सामान पैक करके जाने वाली थी तभी लैंडलाइन पर कॉल आता है, और दूसरी तरफ से पर्सन काफी क्रीपीली हंस रहा था, जो देखकर जीवन काफी डर जाती है और फोन कट कर देती है। पर फिर उसे ऑफिस में से कुछ आवाजें आने लग जाती है,
जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ की लाइट्स अचानक से बंद हो गई थी। ये देखकर जीवन काफी डर गई थी। तभी उसे मिनवान की आवाज आती है, जो सुनकर वो एक टेबल के नीचे छुप जाती है। मिनवान अब उसे बोलने लग जाता है कि जीवन हमें बात करनी चाहिए और तुम्हें क्या बहुत मजा आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाने में। ये बोलकर वो जीवन को ढूंढने लग जाता है। तभी जीवन के फोन पर यूजी का कॉल आता है तो वो उसका फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। अब जैसे ही उसे जीवन मिलती है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें मजा आया मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाकर। जीवन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं सच में इस बार तुम्हारे पास वापस आना चाहता था। तो जीवन उसे बता देती है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे। ये सुनकर मिनवान कहता है कि तुम्हें पहले से पता था फिर भी तुमने मुझे फंसाया और यहाँ पर उसे हिट करने वाला था। तो जीवन बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, चलो मार डालो मुझे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनकर मिनवान भी गुस्से में जीवन का गला दबाने लग जाता है। तो जीवन हंसने लग जाती है और उसे और ज्यादा प्रोवोक करती है, जिससे कि वो भी पूरी ताकत से उसका गला दबाता है और जीवन का दम घुटने लगता है। तभी वहां पर यूजी आकर मिनवान को एक जोरदार किक मार के अलग कर देता है और जीवन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। जहां पर वो सोच रही थी कि शायद मेरा मरना मिनवान के हाथ तो ही लिखा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।